हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द लॉस्ट डांसेस ऑफ क्रेन्स रिटन बाय जूलेट विल्सन। यहाँ पर पोएट एक क्रेन बर्ड को बोल रही हैं कि तुम्हारा मैदान अब खाली हो चुका है। इन फील्ड में जो ग्रीनरी थी ना, जो ग्रीन ग्रीन था, वो सब खत्म हो चुका है, वो सब सूख चुका है और जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब चले गए हैं, खत्म हो चुके हैं। तो तुम्हारा मैदान बिल्कुल खाली हो चुका है, हरियाली बिल्कुल जा चुकी है और अब तो इस फील्ड में ना तुम्हारा ना भूत आता है और भूत आकर डांस करता है। यहाँ पर पोएट कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर तुम्हारा भूत आता है, मतलब यहाँ पर अब कोई नहीं आता, अब यहाँ पर क्रेन्स बर्ड नहीं आती। तो पोएट यही कह रही हैं कि यहाँ पर तुम्हारा भूत आता है और भूत आकर डांस करता है। अब तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही रह चुका है, मतलब लोग तुम्हें ना तुम्हारे नाम से जानते हैं क्योंकि तुम्हारा आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और ये मैदान बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ से जो हरियाली थी गायब हो चुकी है और तुम्हारा भी आना जाना बंद हो गया है, इसलिए लोग तुम्हारा खाली नाम ही जानते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम यहाँ पर रह चुका है। अब पोएट कह रही हैं अब यहाँ पर ना दूसरी क्रेन्स आती हैं डांस करने के लिए। अब ये क्रेन्स एक मशीन होती है, ठीक है, एक बर्ड भी होती है और एक मशीन भी होती है। अब यहाँ पर इस लाइन में पोएट एक मशीन की बात कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि यहाँ पर ना तुम्हारी जगह में अब दूसरी क्रेन्स आती हैं, ये एक मशीन है और पोएट कह रही हैं वो आकर जंगलों में डांस करती हैं। अब यहाँ पर पोएट बर्ड को कह रही हैं, उसी क्रेन बर्ड को बोल रही हैं कि तुम जो थोड़े बहुत बचे हुए हो और तुम्हारी आवाज़ भी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, तुम ना सिर्फ वीडियो में ही रह गए हो क्योंकि क्रेन बर्ड्स का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए वो खाली वीडियोस में, पिक्चर्स में रह गई हैं। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे ना तो हम लोग के घर के आसपास हर जगह एक स्पैरो बर्ड्स दिखती थी ना, बहुत ढेर सारी, बट अब धीरे धीरे वो भी बर्ड्स गायब हो चुकी हैं। अब अचानक से जब वो स्पैरो बर्ड्स आती हैं तो हम लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, है ना, एकदम से ऐसा समझते हैं जैसे मिराकल हो गया है कि ये बर्ड कहाँ से आ गई। तो बचपन में वो स्पैरो बर्ड्स हम लोग देखते थे बट एकदम से जैसे वो बर्ड्स आती है तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे ही पोएट यहाँ पर क्रेन्स बर्ड्स को बोल रहे हैं क्योंकि वो भी धीरे धीरे अब कम होती जा रही हैं। अब यहाँ पोएट कह रही हैं और शहर के जितने भी लोग हैं ना, जो शहर में रहते हैं, वहाँ के लोग जब इन बर्ड्स को देखेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड फील होगा, है ना। अभी मैंने बोला कि जब स्पैरो बर्ड्स आती हैं तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं ना, एकदम हैप्पी हो जाते हैं कि ये देखो, ये तो हम लोग बचपन में इस बर्ड्स को देखते थे, अब धीरे धीरे ये भी बर्ड्स कम हो चुकी हैं और जब एकदम से आती हैं तो हम लोग एकदम हैप्पी हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग बचपन में देखते थे और आज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही पोएट बोल रही हैं कि जब शहर के लोग बर्ड्स को, इन बर्ड्स को देखेंगे तो वो भी शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि ये बर्ड्स कभी कदार जब आएंगे तो वो शॉक्ड हो जाएंगे, तो उनको ना चमत्कार लगेगा जब उन बर्ड्स को उड़ता हुआ देखेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे जितने भी बर्ड्स हैं ना वो कम होते चले जा रहे हैं। सो यही भी हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।